और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं नंबर वन की कुर्सी पर, हु एल्स बट हिम करते हुए किंग खान। किंग खान स्पोर्ट्स के इतने शौकीन है कि घर पे बैठ के या तो वो पूरे टाइम वीडियो गेम खेलते रहते हैं या फिर बाहर जाके पंगो के गेम्स। मगर जोम ओलंपिक्स में उनको मिलना चाहिए चांस डाइविंग कंपटीशन में, क्योंकि आजकल उनकी आदत हो गई कि वो किसी भी कंट्रोवर्सी में ऐसे डाइव लगाते हैं कि देखने वाले देखते रह जाते हैं। कभी शीरीष को तड़ियाना, ओहो, तो कभी एयरपोर्ट सिक्योरिटी में लटक जाना, आउच, कभी आमिर को छिछोरा कहना, हाय रे दैया, तो कभी सल्लू मियां के बारे में आधी तिरछी बातें करना, कभी स्टेडियम स्टाफ के साथ गाली गलौज करना, हाँ, तो कभी नो स्मोकिंग जोन में सुट्टा लगाना। मतलब कहने का ये कि जहाँ भी एस आर के मियां ने कॉन्ट्रोवर्सी देखी वही डुबकी लगा लेते हैं, और इस तरह वो बन गए बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ डाइविंग। कई लोगों का मानना तो यह है कि एस आर के को अगर डाइविंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने भेजा जाए तो वो इतनी गोल्ड मेडल जीत सकते कि उनके सामने बाप दा की ज्वेलरी की चमक भी फीकी पड़ जाए, और इतने गोल्ड से रावण के लॉसेस भी पूरे हो सकते बंद हो। तो फिर सोचने में टाइम काहे को वेस्ट करना, किंग खान पहुंच जाइए डाइविंग कंपटीशन में और दीजिए अपने न्यूज डाइविंग करियर को एक नया बूस्ट, क्योंकि जबरदस्त के ओलंपिक्स काउंटडाउन में इस काउंटडाउन ने बचा लिया आपकी इज्जत बाय ब्रिंगिंग यू ऑन टू द नंबर वन पोजीशन। Hi, this is Ria at Zoom TV to your circle on Google Plus and get Bollywood updates round the clock. Just visit gplus.to/zoomtv.